सियासत के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे, इसे विषय को लेकर दंगल में लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी साल 2019 में लाल किले की प्राचीर से कहा गया था कि बच्चे कम रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर उनकी ओर से कंसर्न जाहिर किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य इसको लेकर अपने अपने हित के फैसले क्यों बताते हुए राज्यों में लागू करना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय नीति इसको लेकर क्या केंद्र सरकार नहीं ला सकती। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन यूपी पर ज्यादा फोकस क्योंकि वहां पर 6 महीने के बाद होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सवाल तो महत्वपूर्ण, देखिए असम को लेकर भी कहा जा रहा है कि एससी एसटी को आपने अलग रखा, अगर जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है तो क्या एससी एसटी की आपको चिंता नहीं है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी आप लोग तमाम गहन मंथन कर रहे हैं, हालांकि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, 2 महीनों का वक्त वहां पर बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा नहीं, इस बात को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, एक तरफ अपने वोट को किनारे रखें और दूसरी तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाए, कैसे आपकी नीति पर भरोसा करिए देश और प्रदेश। एससी एसटी भारतीय जनता पार्टी के ही वोट है, ये किस देश पर लोग आए, पहला ये सवाल है। दूसरा प्रश्न ये है कि एससी एसटी तो पहले से ऐतिहासिक तौर पर उत्पीड़न के शिकार और वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग के लोगों को यदि आप सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे तो निश्चित तौर पर उन पर अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में एससी एसटी के लोग जो है ये देखिए, ये तो अनावश्यक बातें कर रहे हैं, तो अखिलेश सिंह यादव की बात बता रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव हत्या करवाते थे, एससी एसटी को उत्पीड़न की बर्बादी कैसे आपके खिलाफ है, घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देते हो, एससी एसटी को उत्पीड़न के केस सफाइयों के खिलाफ है, आपके मंत्री खिलाफ ये सफाइयों के मामले कहां गए, सबसे अधिक सफाइयों के खिलाफ एससी एसटी का उत्पीड़न अगर सबसे अधिक किसी के खिलाफ हुआ है तो पिछले 2.5 दशकों में वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का उत्पीड़न सर्वाधिक किसने किया, तो सपा के गुंडों ने किया, दलित के घर में खाने से मना कर दिया, दलित को पानी पीने से मना कर दिया, मायावती को निर्मस्त करने का भी मना कर दिया था मुलायम सिंह यादव के गुंडों ने, तो आपकी राजनीति तो जो है एससी एसटी के उत्पीड़न की है, आप तो समझ सकते हैं कि एससी एसटी को और कोई सुविधा दी जाएगी तो सपाही जो है फरार बचाएंगे, सपाहियों के कुल कोरोना काल में लोगों की लाशें यहाँ जानवर नोचते रहे उसके बारे में तो नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, यहाँ पे किसान आत्महत्या करता रहे उसके बारे में तो आप नहीं बोले, किसान को क्या सुविधा देरी किस वर्ग से आता है, किसान से विमर्श का कोई देश की और प्रदेश की जो जनता सुन रही होगी और खासतौर से एससी एसटी समुदाय के लोग उनको ये लगेगा ये बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, अगर इतना काम भी हो गया रहता तो आजादी के इतने सालों के बाद भी एससी एसटी की इस तरह की जिंदगी नहीं होती, गरीबी को नहीं गुजर रही होती, सरकारें सोचती कहां है उनको लेकर, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यही तो दिक्कत है, इस बात को जनता समझ रही है और आप लोग भी समझे, दोनों ही पार्टियां और तीसरी पार्टी तुम खाली की भी एक सेकंड सर, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, जिस मुद्दे पर बुलाया उस मुद्दे पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपको बुलाया है उस पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं, दुनिया भर के तमाम मुद्दे लेकर अब्दुल खालिक साहब भी आपको आते हैं, ठीक है, एक सांसद महोदय को भी सुनिए, एक सांसद महोदय को भी सुनिए, बात आगे रखनी है अब्दुल खालिक साहब, लेकिन अगर सरकार की ओर से चाहे वो असम की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि सरकारी संसाधन कुछ मायनों में सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं जिनके दो ही बच्चे हों, तो ये तो अच्छा है ना, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर वो खुद को कंट्रोल करते हुए इस तरह की परिस्थितियां खुद के लिए बना रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, आपको तो सरकार का खुलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार कोशिश हुई लेकिन उस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो आज की तारीख में ही सही, अगर विरोधी पक्ष कुछ अच्छा कर रहा है तो कांग्रेस का हाथ उसके साथ चला जाना चाहिए। अब्दुल खालिक साहब, देखिए हम लोग कभी जनसंख्या नियंत्रण नीति को आलोचना नहीं किया, हम लोग जो बोल रहा हूँ ये जब चाय बागान को अब एक्सेप्शन दिया तब चौर एरिया को भी एक्सेप्शन देना चाहिए, दोनों जगह अब छोड़ दीजिए, एससी एसटी को छोड़ दीजिए, चाय बागान में जैसा प्रॉब्लम है, चाय बागान जैसा बैकवर्ड है, चौर एरिया जो इरोशन अफेक्टेड है यहाँ नदी का किनारा में हर साल कटौती होता है उस एरिया में भी बैकवर्डनेस है, दोनों का सेम प्रॉब्लम है, आप चाय बागान को रिलैक्सेशन कर दिया लेकिन चौर एरिया को नहीं दिया, हम लोग इसका आलोचना कर रहा हूं और ऑन प्रिंसिपल हम लोग हमेशा जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन में हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं दोबारा ये बोलना होगा जब तक हम लोग विकास नहीं करेंगे, शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटी नहीं बनाएंगे तब तक फायदा नहीं होगा, जनसंख्या घुसपैठिया के लिए मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है,
मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ। बीजेपी और आरएसएस कभी कभी बोलते हैं मुसलमान का ग्रोथ रेट ज्यादा है, कभी कभी बोलते हैं घुसपैठिया के लिए हुआ रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है उसको भी आलोचना करना होगा। अभी बीजेपी और आरएसएस हमेशा बोल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर टॉर्चर हो रहा है, इसीलिए हिंदू का लिए वो CAA को लेके आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके आया, और बोल रहा है बांग्लादेश से मुसलमान भी आ रहा है। ये कैसे बात होगा? बांग्लादेश से हिंदू भी आएगा मुसलमान भी आएगा, ये तो नहीं हो सकता है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हो रहा है तब तो वहां से मुसलमान नहीं आना चाहिए। तो ये जो भाजपा के जो नीति है, भाजपा की जो थ्योरी है, थोड़ा सा अपना भी बता दें, कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, अब्दुल खालिक साहब अपना भी बताते हैं जनसंख्या नियंत्रण का इतिहास किस तरह का रहा है। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई थी और स्थिति ये हो गई थी कि एक साल के भीतर ही लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदी कांग्रेस की सरकार की ओर से कर दी गई थी। सर आप अपना भी जिक्र कर देते, अपना भी इतिहास बता देते कि आप लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस तरह से अत्याचार किया था।